तो क्या आपके भी मोबाइल फोन से कोई भी एप्लीकेशन ऑटोमेटिक डिलीट हो गया है? जैसे आप अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और वो आपके होम स्क्रीन पर आपको देखने को ही नहीं मिलती है। जैसे हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे हमारा मोबाइल फोन MI मोबाइल फोन है और मैंने अभी अभी अपने यहाँ पे मोबाइल फोन के अंदर जो आपका कैलेंडर होता है मैंने उसे अभी अभी अपडेट किया है और वो हमारा अपडेट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, हमारा कैलेंडर का एप्लीकेशन देखने को नहीं मिल रहा है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ से बैक आते हैं, यहाँ पे आपको दिखाते हैं तो यहां पे भी आपको कैलेंडर एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलेगा और यहां पे मैं एफ ड्रा में दिखाता हूं तो यहां पर भी आपको कैलेंडर एप्लीकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके मोबाइल फोन के अंदर कोई भी एप्लीकेशन आप अपडेट करते हैं या आप उसे डाउनलोड करते हैं और वो आपके होम स्क्रीन पे आपको देखने को नहीं मिलता है तो इस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व करेंगे और कैसे वह एप्लीकेशन आपके होम स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यह प्रॉब्लम क्यों आपको देखने को मिलती है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आपके होम स्क्रीन पे आएगा। तो यहां पे आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके ये प्रॉब्लम क्यों देखने को मिलती है ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम आपके मोबाइल फोन के अंदर तभी आपको देखने को मिलती है जब आपका मोबाइल फोन कोई ओल्ड वर्जन में होता है। जैसे आपका मोबाइल फोन बहुत ही ज्यादा ओल्ड वर्जन में है, जैसे आपको देखा होगा आप, जैसे हमारा ये MI मोबाइल फोन है तो हमारा ये MI मोबाइल फोन है Redmi 5A, यानी कि आप समझ सकते हैं कि मोबाइल फोन जो MI का है Redmi 5A है वो कितना ओल्ड वर्जन है। और आपको पता होगा कि Redmi 5 सीरीज में कोई भी MI यानी कि MI कंपनी और Redmi 5A सीरीज में कोई भी यहां पे अपडेट नहीं देती है, आपके मोबाइल फोन के अंदर अपडेट नहीं आएगा अगर आप ओल्ड वर्जन में हैं और Redmi 5 सीरीज में हैं। तो हमारा जो मोबाइल फोन है वो Redmi 5A का है और इसके अंदर कोई भी यहां पे न्यू वर्जन कभी भी नहीं आता है, आपको पता होगा। तो हमारे पास भी कोई भी नया अपडेट नहीं आया है हमारे मोबाइल फोन के अंदर और जो मैंने अभी अभी अपडेट किया है मैंने अपने एप्लीकेशन को, उस एप्लीकेशन को मैंने न्यू अपडेट में अपडेट कर लिया यानी कि न्यू वर्जन में, जो हमारे मोबाइल फोन के अंदर सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि हमारा जो मोबाइल फोन है वो ओल्ड वर्जन में है और हमारा यहाँ पे मोबाइल फोन ओल्ड वर्जन में है तो हमारे पास वो जो एप्लीकेशन अभी अभी आपने डाउनलोड किया है या इंस्टॉल किया है या आपने अपडेट किया है वह एप्लीकेशन आपके न्यू वर्जन में हो चुकी है और वह एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन के ओल्ड वर्जन में सपोर्ट नहीं करती है। तो अगर आपके मोबाइल फोन के अंदर ओल्ड वर्जन है और आपको आपकी कंपनी की तरफ से आपके मोबाइल फोन में न्यू वर्जन आपको देखने को मिलता है और अपडेट करने का ऑप्शन आता है तो अपने मोबाइल फोन को हमेशा आप अपडेट करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपका मोबाइल फोन ओल्ड वर्जन में है और कोई भी आपके पास अपडेट करने का ऑप्शन नहीं आता है, आपके मोबाइल फोन के अंदर आपकी कंपनी अपडेट नहीं देती है तो आपको यहां पे करना क्या है, उस एप्लीकेशन को कैसे आप वापस लाएंगे? तो इसके लिए आपको करना क्या है, सेटिंग में जाना पड़ेगा। जैसे आप यहां पे सेटिंग में जाएंगे, यहां पे आपको सर्च करना है मैनेज ऐप्स, यहां पे आपको सर्च करना है मैनेज ऐप्स। जैसे हम यहां पे सर्च करते हैं मैनेज ऐप्स, यहां पे मैं सर्च कर लेते हैं यहाँ पे मैनेज और ऐप्स। जैसे आप यहाँ पे अपना मैनेज ऐप्स सर्च करेंगे आपके सामने यहाँ पे एक सेटिंग निकल के आ जाएगी, देखने को मिलेगा मैनेज ऐप्स। अगर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है तो आपको यहाँ पे रिसेंट बार ओपन करना है और यहाँ पे आपको मिल जाता है आपको मैनेज ऐप्स, आपको इस पर क्लिक करना है या आप सेटिंग से इसे ओपन करेंगे आपके सामने यही ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है वो एप्लीकेशन जो आपके होम स्क्रीन पर शो नहीं हो रहा है और आपने डाउनलोड कर लिया है। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ कैलेंडर, जैसे मेरा यहाँ पे कैलेंडर शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पे देखने मिलेगा कैलेंडर सर्विस का ऑप्शन, आपको इस पे क्लिक करना है सर्विस वाले ऑप्शन पे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहां पे आपका वो वर्जन देखने को मिल जाएगा कि आपके मोबाइल फोन के अंदर ये वर्जन अवेलेबल नहीं है और ये वर्जन आपके उस एप्लीकेशन के अंदर अपडेट होकर ऐड हो चुका है और ये आपके मोबाइल फोन के अंदर सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो अब आपको यहां पे करना क्या है, यहां से देखने को मिलेगा अनइंस्टॉल अपडेट, आपको इस पे क्लिक करना है और यहां से आपको ओके कर देना है। जैसे आप यहां पे ओके कर देंगे तो जो आपने अभी अभी इंस्टॉल किया था वर्जन वो आपका यहां पे डिलीट हो जाएगा और उसके बाद यहां से आपको बैक आना है। जैसे आप यहां से बैक आ जाएंगे अब आपके मोबाइल फोन के अंदर जहां भी आपका कैलेंडर होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं हमारा यहां पे कैलेंडर वापस आ चुका है, मैंने यहां पे कुछ भी नहीं किया है और आपको मैंने लाइव प्रूफ दिखा दिया है। अब आप इसे ओपन करेंगे तो आपका जो भी कैलेंडर होगा वो यहां पे ओपन होकर आ जाएगा। इसी प्रकार कोई भी एप्लीकेशन है तो वो भी आपका इसी प्रकार यहां पे बाहर निकलकर आ जाएगा आपके होम स्क्रीन पर। तो ऐसे आप इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।